दोस्तों आईपीएल का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग है। इसमें क्रिकेट के 20-20 ओवर के मैच खेले जाते हैं। भारत की आईपीएल यानी क्रिकेट की लीग विश्व की सबसे बड़ी और महंगी क्रिकेट लीग है और दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की बीबीएल यानी बिग बैश लीग है, यह भी एक क्रिकेट लीग है। और विश्व की सब स्पोर्ट्स लीग में आईपीएल 9वें नंबर पर है। आईपीएल दुनिया में सबसे अधिक भाग लेने वाले खिलाड़ियों की क्रिकेट लीग है। आईपीएल में भारत सहित अन्य देशों के खिलाड़ी भी भाग लेते हैं। क्रिकेट के इस लीग में हिस्सा लेने वाली टीमें भारतीय शहरों तथा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन टीमों के बीच मैच खेले जाते हैं और अंत में जो टीम विजय रहती है उसे ट्रॉफी और इनाम दिए जाते हैं। अब थोड़ा जान लेते हैं आईपीएल का इतिहास। इंडियन प्रीमियर लीग को शुरू करने का श्रेय ललित मोदी को माना जाता है। ललित मोदी ही 2008 में इस लीग के फाउंडर थे। आईपीएल की घोषणा 13 सितंबर 2007 में बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया द्वारा की गई। इस लीग की घोषणा करने के कुछ महीनों बाद इस लीग की टीमों की फ्रेंचाइजी को बेचा गया। टीम की फ्रेंचाइजी लेने के लिए लोगों ने बोली लगाई। जिस व्यक्ति या ट्रस्ट ने अधिक बोली लगाई उन लोगों को टीमों की फ्रेंचाइजी मिली। टीमों को हमारे देश के कारोबारी और अभिनेताओं द्वारा खरीदा गया। इस तरह से बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, राजस्थान, कोलकाता, पंजाब और मुंबई टीमों को उनके मालिक मिले, जिसका पहला मैच अप्रैल 2008 में दिल्ली में खेला गया। तब से हर साल आईपीएल के मैच खेले जाते हैं। दोस्तों जैसे जैसे यह खेल आगे बढ़ता गया इसमें कुछ टीमें बाहर हुई और कुछ नई टीमें जुड़ती गई। बीसीसीआई चाहे तो आईपीएल में और भी टीमों को जोड़ सकती है। अब जानते हैं इसका प्रोसेस यानी किस तरीके से टीम बनती है। उदाहरण के लिए मान लो पटना के नाम से एक और टीम बनानी है तो बीसीसीआई को सिर्फ नाम अनाउंस यानी घोषणा करनी है कि पटना के नाम से एक और टीम बनेगी और उस नाम की टीम यानी फ्रेंचाइजी की बोली लगेगी और बोली देश और विदेश के बड़े बड़े उद्योगपतियों और अभिनेताओं के बीच लगती है। जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा उसे पटना के नाम से टीम मिल जाएगी और वो उस टीम का यानी फ्रेंचाइजी का मालिक कहलाएगा। बीसीसीआई के नियम के अनुसार इसमें अगर कोई विदेशी कंपनी या लोग भाग लेते हैं तो उन्हें अपनी कंपनी भारत में खोलनी होगी फ्रेंचाइजी लेने के बाद। इस तरह नई टीम बन जाती है और फिर उस टीम यानी फ्रेंचाइजी के मालिक क्रिकेट के खिलाड़ियों को अपनी टीम में लेने के लिए ऑक्शन यानी नीलामी के लिए बोली लगाकर खिलाड़ियों को खरीदती है। ऑक्शन यानी खिलाड़ियों की नीलामी का प्रोसेस जानने के लिए अलग से वीडियो है आईपीएल ऑक्शन के नाम से, प्लेलिस्ट से या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। 2022 में आईपीएल टीमों के नाम यानी फ्रेंचाइजीज के नाम इस प्रकार हैं। दिल्ली कैपिटल, इनके मालिक है जीएमआर ग्रुप और जीएसडब्ल्यू ग्रुप। कोलकाता नाइट राइडर्स, इनके मालिक अभिनेता शाहरुख खान और जूही चावला और उनके पति जय मेहता हैं। इनकी कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट एंड मेहता ग्रुप है। अगली टीम है चेन्नई सुपर किंग, इनके मालिक भारतीय सीमेंट हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, इनके मालिक यूनाइटेड स्पिरिट्स है। मुंबई इंडियंस, इनके मालिक मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। राजस्थान रॉयल, इस टीम के मालिक हैं मनोज बदले और लच्छन मुर्दोज। सनराइजर्स हैदराबाद, इनके मालिक हैं कलानिधि मरण एवं सन टीवी नेटवर्क। किंग्स इलेवन पंजाब, इनके मालिक हैं अभिनेत्री प्रीति जिंटा, नेस वाडिया, करण पॉल और मोहित बर्मन। लखनऊ सुपर जाइंट्स, इनके मालिक हैं संजीव गोयंका आरपीएस ग्रुप के नाम से। और गुजरात टाइटन्स, इनके मालिक हैं सीबीसी कैपिटल। और इन सभी टीमों के कप्तान और कोच हर साल बदलते रहते हैं। आईपीएल के नियम के अनुसार हर टीम में टोटल खिलाड़ियों की संख्या 18 से 25 के बीच होनी चाहिए, जिसमें अधिकतम 8 विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं। एक टीम अपने प्लेइंग 11 में अधिकतम 4 विदेशी खिलाड़ियों को एक मैच में खिला सकती है। आईपीएल में अंडर 19 खिलाड़ियों को तब तक नहीं चुना जा सकता जब तक कि वे प्रथम श्रेणी या लिस्ट ए क्रिकेट ना खेल चुके हों। अब बात करते हैं खिलाड़ियों की कमाई की। खिलाड़ियों को सालाना दी जाने वाली सैलरी उनकी हर नीलामी यानी ऑक्शन में लगी बोली के हिसाब से पैसा मिलता है। यदि आप उन सभी खिलाड़ियों के नाम उनके प्राइस यानी सैलरी के साथ हर टीम के हिसाब से सभी खिलाड़ियों को स्क्वाड के नाम जानना चाहते हैं
तो हर टीम की अलग अलग वीडियो बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट से या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। इसके अलावा खिलाड़ियों को IPL अवार्ड और पैसे भी मिलते हैं, इसमें जैसे ऑरेंज कैप और पर्पल कैप है। ऑरेंज कैप बल्लेबाजों के लिए बनाई गई है और पर्पल कैप गेंदबाजों के लिए। IPL के सीजन में जो बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाता है कैप उसके पास चली जाती है, और इस तरह से फाइनल मैच होते होते ये कैप उस बल्लेबाज के पास होती है जिसने मौजूदा सीरीज में सबसे अधिक रन बनाए हो। ठीक इसी तरह गेंदबाज के साथ भी होता है जिसने सबसे अधिक विकेट लिए हों। और खिलाड़ियों को 2021 IPL के हिसाब से अवार्ड राशि दी जाती है। मैन ऑफ द मैच को 1,00,000 रुपये, ऑरेंज कैप होल्डर को 10,00,000 रुपये, पर्पल कैप होल्डर को भी 10,00,000 रुपये, सीजन का परफेक्ट कैच लेने वाले खिलाड़ी को 10,00,000 रुपये, सीजन का सुपर स्ट्राइकर खिलाड़ी को भी 10,00,000 रुपये, गेम चेंजर ऑफ द सीरीज को भी 10,00,000 रुपये, और सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी को भी 10,00,000 रुपये दिए जाते हैं, और पावर प्लेयर ऑफ द सीजन को भी 10,00,000 रुपये की राशि दी जाती है। इसके अलावा हर मैच के बाद मैन ऑफ द मैच, बेस्ट कैच, बेस्ट बॉलर, बेस्ट सिक्सेस आदि भी शामिल हैं जिन्हें 50,000 से 2,00,000 तक की राशि दी जाती है। और खिलाड़ी एडवर्टाइजमेंट से भी पैसा बहुत ज़्यादा कमाते हैं। अब बात करते हैं IPL की टीमों के मालिक की कमाई, यानी फ्रेंचाइजी के जो मालिक होते हैं, ऑनर होते हैं, उनकी कमाई किस तरीके से होती है। IPL के मालिक 5 तरीकों के जरिए पैसे कमाते हैं। पहला है ब्रांड वैल्यू, क्योंकि टीम की वैल्यू बढ़ने से उस टीम की कंपनी को अच्छे खासे निवेशक यानी इन्वेस्टर्स मिलते हैं। दूसरा है परियोजक यानी स्पॉन्सर्स। IPL टीमों के प्लेयर्स की जर्सी पर कई सारे कंपनियों के नाम लिखे हुए होते हैं जो कि टीमों के स्पॉन्सर्स होते हैं, इसका भी पैसा IPL कंपनी के मालिकों के पास जाता है। तीसरा है टिकटों के जरिए, मैच को देखने के लिए दर्शकों द्वारा खरीदी गई टिकट के पैसे उस टीम के मालिकों के पास जाते हैं। और चौथा है मीडिया राइट्स यानी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, ये सबसे बड़ा जरिया है। जिस चैनल को मैच प्रसारण करने का अधिकार दिया जाता है उस चैनल के द्वारा BCCI को पैसे दिए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, जिसके बाद BCCI इन पैसों में से कुछ परसेंट अपना हिस्सा रख लेती है और बाकी के बचे हुए पैसे टीमों के मालिक को दे देती है। इसके अलावा ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, यूट्यूब पर जितने भी मैच के प्रसारण होते हैं उसके पैसे भी टीम के मालिकों के पास जाते हैं। और पांचवा है मर्चेंडाइजिंग सेल्स। IPL की टीमें अपनी टीम की ब्रांड की कैप्स, घड़ी, टी शर्ट बेचकर भी कमाई करती हैं। इसके अलावा IPL के हर सीजन में इनाम राशि भी टीमों के मालिकों को मिलती है जो हर साल अलग अलग हो सकती है। वर्ष 2021 में जीतने वाली टीम को 20 करोड़ रुपए दिए गए और दूसरी पोजीशन पर आने वाली टीम को 12.5 करोड़ रुपए दिए गए। अब बात करते हैं BCCI यानी इंडिया का जो क्रिकेट बोर्ड है उसका फायदा। IPL की शीर्षक परियोजक यानी टाइटल स्पॉन्सर जैसे DLF, ड्रीम इलेवन, वीवो, टाटा आदि के कॉन्ट्रैक्ट से कमाई होती है। दूसरा है मीडिया राइट से कमाई यानी IPL टेलीकास्ट करने वाले चैनल से कमाई होती है। तीसरा है IPL की फ्रेंचाइजी के मालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट से कमाई। BCCI क्रिकेट जगत में सबसे अधिक पैसा कमाने वाला क्रिकेट बोर्ड है। ये जितने भी कमाई के जरिए हैं इनकी रकम की गिनती हजारों लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होती है। अब बात कर लेते हैं IPL के फायदे और नुकसानों के बारे में। तो पहले जान लेते हैं IPL के फायदे। भारत के युवा प्लेयर्स को देशों के बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलने का और हुनर दिखाने का मौका मिलता है, और IPL की वजह से हमारे देश की इकोनॉमी भी बढ़ती है, और अन्य देश के लोग इस खेल को देखने के लिए भारत आते हैं जिससे हमारे देश के टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है और देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार भी मिलता है। और IPL के कामयाब होने के बाद हमारे देश में अन्य खेलों जैसे कबड्डी, फुटबॉल और बैडमिंटन इत्यादि की भी लीग शुरू हो रही है। IPL शुरू होने के बाद से BCCI की करोड़ों रुपये की कमाई होती है। IPL के कारण भारत की पहचान भी बड़ी है। अब बात करते हैं IPL के नुकसान के बारे में जो बहुत कम है लेकिन है। IPL की वजह से हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर यानी इंटरनेशनल प्लेयर को आराम करने का समय नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले खेलों में सही तरह से प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। और IPL के जरिए कई प्लेयर्स काफ़ी अधिक कमाई कर रहे हैं जिसके कारण उनका झुकाव पैसों की ओर ज़्यादा हो रहा है, और कई प्लेयर समय से पहले रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। हालांकि ये नुकसान अभी तक हमारे देश में देखने को नहीं मिले हैं।
क्योंकि हमारा क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI अंतर्राष्ट्रीय मैचों पर ज़्यादा ध्यान देता है, इसीलिए भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों को IPL के अलावा अन्य क्रिकेट लीग खेलने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन भविष्य में इनकी संभावना हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में जानकारी। मुझे आशा है कि आप इस जानकारी से सहमत होंगे। हो सकता है मेरे से कहीं पे गलती हुई हो, तो उसके लिए मुझे माफ कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगे और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग उचित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है, तो कृपया हमसे teamnationtamasha@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।